देख रहे हैं इन डार्क राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, मेरा नाम वैभव शुक्ला है, मैं एक पत्रकार हूँ और मुझे अतरंगी कहानी सुनना, अनोखे लोगों से मिलना और अनोखी जगह पर जाना बेहद पसंद है। इसी सिलसिले में मैं अपने अगली कहानी की तलाश में गोरखपुर जा पहुँचा, फिर वहाँ के एक लोकल बाजार में पहुँचा। ऐसा वहाँ के लोग कह रहे थे कि उस बाजार में कोई ऐसा दिन नहीं होता है जिस दिन काशीनाथ जी की चर्चा ना हो। मैंने अपनी नज़रें दाएं बाएं घुमाई तो मैंने देखा कि कुछ ही कदम पर एक चाय की टपरी थी, जहां जाकर मैंने एक चाय पी। और मैं अभी चाय पी ही रहा था कि तभी किसी ने काशीनाथ जी की चर्चा छेड़ दी। काशीनाथ जी के बारे में कही गई बातें मुझे बड़ी अनोखी और दिलचस्प लगी, मैं और भी गहराई से छानबीन करने लगा। तभी चाय वाले ने कहा, अरे भैया ऐसा क्यों नहीं करते, यहाँ से थोड़ी दूर पर एक गाँव है, वहाँ कोई इंसान तो नहीं रहता, पर काशीनाथ जी जरूर मिल जाएंगे। मुझे ये बात हजम नहीं हुई, आखिर कैसा गांव है वो जहां पर इंसान ही नहीं रहता। मैं चाय वाले से पूछने लगा, भाई साहब थोड़ा और बताइए ना काशीनाथ जी के बारे में। पर चाय वाले ने साफ तौर पर मुझे मना कर दिया और बोला, ज़्यादा जानना है तो काशी जी के घर पहुंच जाओ, वो खुद ही तुम्हें अपनी सारी कहानी सुना देंगे। और हाँ, ध्यान रहे काशी जी रात के वक्त ही आम लोगों से मिलते हैं, और किसी के साथ वहाँ क्या होता है ये वो इंसान और ऊपर वाला ही जानता है। अब मैंने मन बना लिया था, चाहे जो भी हो मैं काशीनाथ जी से ज़रूर मिलूंगा। रात के करीब 9 बज चुके थे, मैं काशीनाथ जी के गांव के लिए सवारी गाड़ी ढूंढने लगा, पर कोई भी सवारी गाड़ी काशीनाथ जी के गांव जाने को राजी नहीं हुई। पूछने पर लोग कह रहे थे कि उस गांव में कोई भी गाड़ी नहीं जाती, क्योंकि उस गाँव में कोई भी इंसान नहीं रहता। अब मेरी जिज्ञासा और भी बढ़ गई, अंत में थक हार कर मैंने अकेले ही जाने की ठान ली और उस गाँव की ओर चल दिया। अब रात के करीब 10:30 बज चुके थे, रास्ते में सच में कोई भी इंसान नहीं दिख रहा था, पूरी की पूरी बस्ती में सन्नाटा फैला हुआ था। अब मैं काशी जी के गांव में प्रवेश करने वाला था कि मुझे गांव में शुरू होने से पहले एक बहुत ही मोटा पीपल का पेड़ नजर आया और हवा साए साए चल रही थी। सच कहूँ तो मुझे उस हवा में भी कुछ नेगेटिव ऊर्जा महसूस हो रही थी, पर काशीनाथ जी के अनोखे किस्से ने मेरे कदमों को रुकने ही नहीं दिया। मैं जैसे उस गाँव में घुसा तो पहले 2-3 घर देखने से लगा, वो घर नहीं बल्कि बरसों पुराना कोई खंडर है जिससे झिंगुर और तरह तरह के कीड़े मकोड़े की आवाजें आ रही थी। थोड़ी दूर और बढ़ा तो एक घर दिखा जिसके बाहर कोई नहीं था, पर खिड़की से मुझे 2 बूढ़े इंसान आपस में बात करते दिखे। मैंने खिड़की के पास जाकर आवाज लगाई, कोई है, पर अंदर से कोई आवाज ही नहीं आई। फिर मैंने दोबारा आवाज दी, तभी वो बूढ़ा व्यक्ति घर के अंदर से खिड़की के पास आया और मेरे से पूछने लगा कि क्या बात है बेटा, तुम इंसान मेरे गांव में क्या कर रहे हो। ये सुनकर तो मैं दंगी रह गया और एक पल के लिए मैंने सोचा आखिर ये ऐसा क्यों बोल रहा है, मैं मुश्किल में तो नहीं फंस गया। तभी मैंने अपना दिमाग दौड़ाया और थोड़ा सहमते हुए बोला, काका मैं काशीनाथ जी का रिश्तेदार हूँ, मुझे उनसे मिलना है। इस पर उस बूढ़े ने कहा, क्यों मिलना है, काशी से क्या काम है, और हाँ मैं कैसे मान लूँ तुम काशी के जानने वाले हो। फिर मैंने थोड़ा और सोचा और मुझे याद आया कि मैंने चाय वाले भैया से कुछ खाने का सामान लिया था, इसी का बहाना बना लेता हूँ, शायद मुसीबत टल जाए। और मैं दबी हुई जुबान से बोला, ये कुछ खाने के सामान हैं जो काशी जी को बहुत पसंद है। और साथ ही मैंने उन्हें बैग भी दिखाया। तभी उस बूढ़े ने बुढ़िया से कहा, जाओ इसे काशी के पास पहुँचा दो। हल्का हल्का अंधेरा था जिस कारण मुझे साफ साफ कुछ दिख भी नहीं रहा था। तभी बुढ़िया ने गांव के किनारे पर मुझे छोड़ दिया और कुछ भी नहीं बोला। तभी एक झोपड़ी की तरफ इशारा किया, मैं उस झोपड़ी की तरफ बढ़ गया और झोपड़ी के अंदर देखा तो बिल्कुल मेरे जैसा तगड़े शरीर वाला एक इंसान खाट पर लेटा हुआ था। मैं जैसे ही गेट पे पहुंचा तो अंदर से आवाज आई, आइए वैभव शुक्ला जी, कहिए कैसे आना हुआ। ये सुनकर तो मेरे होश उड़ गए और मैं सोचने लगा ये इंसान मेरे बारे में कैसे जानता है, मैं इससे मिला भी नहीं। तभी मैं हिम्मत जुटाते हुए बोला, काका काशी जी आप ही हैं। तभी उसने इशारे में सिर हिलाया, फिर मेरे जान में जान आई और मैं अंदर गया। फिर काशी जी चाय बनाने लगे, तभी मेरे अंदर की जिज्ञासा ने मुझे उकसाया और मैंने काशीनाथ जी से सवाल करना शुरू किया। काशी जी ने कहा, पहले तसल्ली से चाय पी लीजिए फिर बातें करेंगे, पर मुझे चाय से अजीब बदबू आ रही थी, पर फिर भी मैंने चाय पी ली। अब काशीनाथ जी सवाल जवाब के लिए तैयार थे। तभी काशीनाथ जी ने बात करने से पहले मुझे एक चेतावनी भी दी, मुझसे कहा कि
आप सुबह सूरज की किरण दिखने से पहले ही यहाँ से निकल जाएंगे। अगर आपने किसी भी कीमत पर सूरज की किरण देख ली तो फिर आपके साथ क्या होगा ये सिर्फ वो बुढ़िया ही जानती है जो इस गांव में घुसने के बाद दो तीन घर छोड़कर रहती है। उस बुढ़िया के अलावा कोई भी इसका उपाय नहीं जानता। मैंने सबसे पहला सवाल काशीनाथ जी से पूछा, आप इस गांव में कैसे आए? काशीनाथ जी बड़ी दर्द भरी आवाज़ में बोले, बड़ी ही लंबी कहानी है शुक्ला जी। तभी मैंने कहा, पूरी रात पड़ी है अपने पास, आप तसल्ली से सुनाइए। फिर काशीनाथ जी ने जो बताया उसने मेरे दिमाग को हिला दिया। काशीनाथ जी बचपन से ही बहुत निडर और बलवान थे। महज 7 साल की उम्र से वो अपने पिता के काम में हाथ बटाने लगे। उनके पिताजी करीब 20 बीघे की जमीन खेती करते थे। गांव के लोग कोई हिम्मत भरक काम के लिए काशीनाथ जी को अपने साथ ले जाते थे। उनके व्यक्तित्व में ऐसी निखार थी कि कोई भी उस पर हावी नहीं हो सकता था। हुआ ऐसा कि एक बार काशी जी अपने दोस्त बब्बू के साथ रात के करीब 12:30 बजे बाजार से आ रहे थे। उनके गांव में घुसने के 500 मीटर पहले ही एक घना पीपल का पेड़ है और वहीं पर एक कुआं भी है। पीपल के पास पहुंचते ही बब्बू को लगा कि उसके कंधे पर हाथ रखा है। उसने तुरंत ही डरकर उसका हाथ झटक दिया। ये देखकर काशीनाथ जी हैरान हो गए। तभी उन्होंने बब्बू से पूछा, अरे बब्बू क्या हो गया? तभी बब्बू ने जवाब देते हुए कहा, अरे भाई मुझे लगा किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। काशीनाथ जी उसका मजाक उड़ाते हुए बोले, अरे यहाँ पर कोई भूत है क्या? तभी बब्बू ने काशी जी से कहा, आपके पीछे ये सफ़ेद साड़ी वाली औरत कौन है और क्या कर रही है ये? तभी काशी जी ने कहा, कौन सी औरत? तभी काशी जी ने इधर उधर देखा और बोला, पागल मत बनाओ बब्बू, चुपचाप घर चलो। पर काशी जी को उस रात कुछ भी नहीं दिखा और उस रात से वो औरत काशी जी के साथ ही है। ऐसे एक बार फिर काशीनाथ जी अपने गांव के लोगों के साथ एक खंडर जैसी पुरानी बिल्डिंग में घूमने गए और उनके गांव वाले रत्नेश जी को लेकर बब्बू भाई खंडर के स्टोर रूम में घुसे। जैसे वो अंदर गए दरवाजा अपने आप ही बंद हो गया। तभी किसी ने रत्नेश के कान में कुछ कहा। फिर रत्नेश जी ने सोचा, शायद बब्बू जी ने कुछ कहा है। फिर रत्नेश ने बब्बू भाई से बोला, क्या कहा आपने? मैं सुन नहीं पाया, फिर से बोलो। बब्बू जी रत्नेश से करीब 5 फीट की दूरी पर खड़े थे। तभी बब्बू जी ने कहा, अरे यार मैंने तो तुमसे कुछ नहीं कहा। तभी उसी औरत ने जो बब्बू जी को पीपल के पेड़ के पास दिखी थी उसने स्टोर रूम की खिड़की से रत्नेश को बाहर की तरफ खींच लिया। ये देखते ही बब्बू जी कांपने लगे और चिल्लाते हुए बाहर भागे। भागते दौड़ के गांव के और लोगों को ये बात बताई। फिर काशी जी और गांव वाले लोग भी स्टोर रूम में आ गए, पर अब रत्नेश वहां से गायब हो चुका था और रत्नेश फिर दोबारा कभी नहीं आया। ये बात गाँव में आग की तरह फैल गई और लोग काशीनाथ जी को नापसंद करने लगे। इस हादसे के बाद से बब्बू को यह एहसास हो गया था कि काशीनाथ जी जहाँ भी जाते हैं कि वो चुड़ैल उनके साथ ही जाती है और हो ना हो इन सभी हादसों के जिम्मेदार सिर्फ काशी जी ही हैं। जिसके चलते गांव वालों की मीटिंग हुई और काशीनाथ जी को गांव से निकाल दिया गया। काशीनाथ जी उदास मन से रात के करीब 11 बजे छुपकर गांव को छोड़कर जा रहे थे कि तभी उसी पीपल के पेड़ के नीचे किसी ने उनका सामान नीचे झटक दिया। ये देखकर काशी जी घबरा गए और सामान उठाने के लिए जैसे नीचे झुके तभी किसी ने पीछे से उनके कंधे पर अपना हाथ रखा। काशी जी एकदम से घबरा कर बोले, कौन है? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मेरा सामान क्यों गिरा रहे हो? और तभी एक बेहतरीन खुशबू काशी जी के नाक तक पहुंची। काशी जी ने जैसे अपना सर ऊपर उठाया तभी एक खूबसूरत औरत सफ़ेद साड़ी में काशी जी के सामने खड़ी थी। तभी उस औरत की नज़र मिलते ही काशी जी वहीं बेहोश हो गए। जब उन्हें होश आया तो वो उसी गांव के उसी झोंपड़ी में सो रहे थे जहां पर वो आज रह रहे हैं। दोस्तों काशीनाथ जी की ये बात सुनकर उन्होंने मुझे आगे बताया कि अब मैं इस गांव को छोड़कर कहीं नहीं जा सकता, जब तक जीऊँगा मैं यहीं पर जीऊँगा। और ये सुनते ही मेरी नज़र चाय वाले बर्तन पर गई और वो सूरज की रोशनी पड़ते ही वो चमक रहा था। जब मैंने काशीनाथ जी को बर्तन की ओर इशारा किया तो वो अपना सर पकड़ कर बैठ गए। तभी मुझे ध्यान आया कि अब सुबह हो चुकी है जबकि मुझे सुबह होने से ही पहले यहाँ से निकल जाना चाहिए था। तो दोस्तों इस कहानी में आगे क्या हुआ ये जानने के लिए देखना न भूले इस कहानी का अगला पार्ट। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।